हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशेष ज्ञान। आज मैं आपको मिंट लेमोनाइड या नींबू पानी शरबत कह सकते हैं आप, वो बनाना सिखाऊंगी। इसे कुछ लोग शिकंजी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काले मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून काला नमक लिया है, 1/4 टीस्पून नॉर्मल नमक लिया है और ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसके स्किन को मैंने हटा दिया था और इसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर, जगह पर आप हनी या ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच लेमन जूस लिया है। यहाँ मैंने 25 से 30 पुदीने के पत्ते लिए जिसे मैंने धो लिया है, इसका हमें जूस निकालूंगी। यहाँ मैंने 6 से 8 आइस क्यूब्स लिए हैं। यहाँ मैंने कुछ लेमन के स्लाइसेस लिए हैं और जिंजर के भी स्लाइसेस लिए हैं और कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं जिसे मैं गार्निश में इन तीनों को यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी, आप जब भी लेमन लें इस येलो कलर का लें क्योंकि साइज में भी बड़ा होता है, पका हुआ भी होता है और इससे जूस भी काफ़ी निकलता है, जबकि ये ग्रीन लेमन साइज में छोटा होता है, कच्चा भी होता है और इससे जूस भी ज़्यादा नहीं निकलता है। यहाँ मैंने 1/4 कप पानी लिया है और ये सोडा लिया है, आप देख सकते हैं। आप इसकी जगह पर चिल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये अदरक डाल देंगे और ये पुदीने के कुछ पत्ते भी डाल देंगे, ये देखिए, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसे हमें पीसना है। ये काम आप मिक्सी से भी कर सकते थे। ये देखिए ये पिस चुका है, आप देख सकते हैं इसमें से पानी निकल रहा है, बस हमें इसका ये पानी यूज़ करना है। तो हम एक बोल लेंगे और उसके ऊपर ये स्ट्रेनर लेंगे और उसमें ये स्ट्रेन कर लेंगे ताकि पानी नीचे निकल आए और इसे इसी तरह चम्मच से प्रेस करेंगे। ये देखिए पानी निकल गया है, हमें यही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम एक ग्लास लेंगे, उसमें ये पुदीने के कुछ पत्ते हैं, इन्हें हम रफली चॉप करके डाल देंगे और ये जो पुदीने का पानी हमने निकाला था इसे भी डाल देंगे और ये कुछ आइस क्यूब्स हम डाल देंगे और ये लेमन जूस भी डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे, नमक आप जब भी डालें थोड़ा ही डालें और ये नॉर्मल नमक भी डाल देंगे और ये पाउडर शुगर भी डाल देंगे हम इसमें और ये लेमन के कुछ स्लाइसेस भी डाल देंगे गार्निश के लिए जैसे हमने यूज किया है और ये जिंजर के स्लाइस भी डाल देंगे और अब हम ये सोडा डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये हमने जो मिक्स मसाला बनाया था उसे भी डाल देंगे थोड़ा ही सा और ये लेमन से हम गार्निश कर देंगे, स्ट्रॉ भी डाल देंगे और पुदीने के पत्ते से भी हम इसे गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।